रिमशा, मैंने तुमसे कह दिया ना तुम वहां नहीं जाओगी। कि नब्बा वो लोग परेशान है, हमें वहां जाना चाहिए। परेशान है तो अपनी बेटी को संभाल के रखना था ना, इस तरह से बेलगाम क्यों छोड़ा है? क्योंकि नब्बा सिला ने जो भी किया इसमें उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर हो या ना हो तुम उनसे रابطہ नहीं रखोगी। आप तो कहते थे कि सईद अंकल के बहुत एहसान है आप पर। एहसान थे, सारे के सारे चुका दिए। जब वो जेल में था ना तो एक मैं था जो उसके बच्चों के काम आता था। तो फिर सिला के बेलगाम होने में जिम्मेदार आप भी हुए। शर्म करो रिमशा, उस लड़की की अवारगियों के इल्जाम तो अपने बाप को दे रही हो। नब्बा वो लोग इतने परेशान हैं, क्या सोचेंगे इस मुश्किल वक्त में हमने उनकी खबर भी नहीं ली। खबर लेने का ये मतलब नहीं होगा कि उनके सर पे पड़ा हुआ कचरा अपने जिम्मे ले ले। अरे मोहल्ले वाले उनसे मिलना नहीं चाहते और तुम्हें उनसे रابطے रखने। अब इस बारे में बात ना हो, चाय का मजा भी खराब कर दिया। आप क्यों आए महरूस? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? जावी मेरा बेटा है और मैं क्यों ना आता? थैंक यू, क्या पाए? संभालो खुद को, जो मुश्किल आई है उसका सामना करना पड़ेगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकती। रिजी, हिम्मत करो, इस मामले को हम नहीं देखेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी बात? रिजी, अभी तक नाम सिर्फ जावी का है और अगर जावी ने कोई बात मीडिया में कर दी उस लड़की के बारे में तो उसके घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह मीडिया हम पर टूट पड़ा है उन लोगों पर भी सख्ती आ जाएगी। नाम आता है ना तो आ जाए, वो उसमें बराबर की शरीक थी। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें इस मामले को संभालना पड़ेगा, नहीं तो दोनों घर वालों के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? आपको पता है मुझे लगता था कि मैंने आपको जितना हर्ट किया है आप कभी वापस नहीं आएंगे। बेवकूफों वाली बातें मत करो रिजी, तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बच्चों को देख कर आता हूँ।